अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रशियन सैलड रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स जो भी हमें चाहिए वो ये आपके सामने हैं। क्यूकेम्बर, पोटैटो, कैरेट और ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये मैंने बॉईल कर ली हैं। इसके अलावा हरी प्याज, लेमन और हमारे पास ये चने हैं वाइट और बॉयल चिकन है। इसके अलावा हमारे पास जो है ये बॉयल एग है जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लिया है। इसमें आप पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं बट पाइनएप्पल मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया। वैसे जो स्पाइसेस हमें चाहिए सॉल्ट और ब्लैक पेपर और थोड़ा सा लेमन जूस। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे और उसके बाद इन सबको मिक्स कर देंगे। ये मैंने इसमें गाजरें डाल दी, चिकन बॉयल है, ये चिकपी ये भी बॉयल हैं। इसके अलावा आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं और बस कोई ऐसी वेजिटेबल आपने नहीं डालनी जो कि बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है। सारी वेजिटेबल्स को डालने के बाद अब मैं इसके अंदर जो है इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें बॉयल एग इंक्लूड कर दूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें ऐड कीजिए। आप जर्दी पे निकाल भी सकते हैं या जो है वो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब हमने सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर डालूँगी। ब्लैक पेपर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अगेन मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। रशियन सैलेड में जो है वो आपकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर यही हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर मटर भी डाल सकते हैं और जो आपको वेजिटेबल पसंद है वो डाल सकते हैं। अब ये मायोनीज़ है, ये जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मायोनीज़ भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रीमी पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर दें और अगर इतना ज़्यादा क्रीमी नहीं पसंद है तो आप इसमें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं ये निकाल कर आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसी बनी है। जी तो अब मैं टेस्ट कर रही हूँ। वाओ, सो यमी, ये बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू जी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।